तो जी हाँ गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और स्टंबल गाइस की वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम एक और चैलेंज करने वाले हैं, इसमें हम अपने कंट्रोल्स को पूरा छोटा कर देंगे और हमें 3 चांस मिलेंगे और हमें एक मैच जीतना है उनमें से। तो चैलेंज का नाम है स्मॉल कंट्रोल्स चैलेंज, देखते हैं हम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज मैंने कंट्रोल स्मॉल कर दिया और देखो भाई कितने दुख से हो गए हैं, है ना। और स्टैटिक भी कर दिया कि और थोड़ा हार्ड हो जाए, ठीक है। तो इजी आएगा आपको, लोगों को लग रहा होगा, एक बार प्लीज़ ट्राई करना, फिर पता चलती है जंप भी नहीं होती अच्छे से। तो मैं सही ठीक ठीक जा रहा था, लेकिन पूरे 32 प्लेयर्स में से मेरे को ही लग रही थी स्नो बॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जंप ही नहीं हो रही थी बिल्कुल अच्छे से, एक बार आप ट्राई कर लेना, बिल्कुल अच्छे से जंप नहीं होती, ठीक है। आप लोगों को आसान लग रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने कभी नहीं खेला था, ये फर्स्ट ही राउंड था। तो देखते हैं, पहले राउंड में तो हम क्वालिफाई कर गए और पंच भी नहीं लग रहा था किसी को, बार बार बंद हो जा रहा था वो, ठीक है। तो चलो अगला राउंड लगाता हूँ। तो गाइस सुपर स्लाइड आ चुका है और पीछे जाऊँगा मैं, आराम से करूँगा एकदम। यार जंप अच्छे से नहीं होती है थोड़ा, तो अब हो गया। तो थोड़ा फिर इजी हो जाता है, अगर एक बार मैच खेल ले आता ना, इसके बाद मेरे लिए बहुत इजी हो गया था। मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी सारी कर पा रहा था मैं। फिर इस मैच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी वह स्टार्टिंग में, तो आप एक बार ट्राई करना, थोड़ा तो हार्ड है और स्टैटिक में थोड़ा और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो मैं एक बार ही गिरा, लेकिन मैंने कर लिया, तो मैं ठीक ठाक खेल रहा था। और हम फाइनल राउंड में पहुँच जाते हैं हमारे पहले ही मैच में। चलो अब क्वालिफाई करते हैं और स्किप करते हैं, वीडियो थोड़ी छोटी रखनी है। और हम आ रहा, हनी ड्रॉप आ चुका है, देखते हैं हम जीत पाएंगे कि नहीं। तो पहले मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ऊपर ही रहूं और मेरा जंप वाला बटन बस काम करे अच्छे से, बस यही मैं कर रहा था कोशिश। और मैं एकदम आराम से खेलने की ट्राई कर रहा था कि मैं जीत जाऊं, पहले ही मैच में जीत जाएंगे तो भाई कितना बड़ा हो जाएगा प्रो में तो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से गिर जाता हूँ, टाइल्स भी नहीं थी वहाँ, ठीक है। तो मैं एकदम और यहाँ से भी मैं गिर जाता हूँ, जंप हो रही नहीं थी, सच्ची नहीं हो रही थी जंप, ठीक है। तो मैं सीधा नीचे दिखा था, तो मैंने पूरा खाली कर दिया था उन लोगों ने। तो मैं यहाँ पे एकदम आराम से खेलता हूँ अब, और मैं सोच रहा था बिना इसको नीचे गिरा दूँ ब्लू वाले को, लेकिन ये नीचे गिरता नहीं है, मेरे साथ ही रहता है, फिर साइड में भाग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एकदम टाइल उसने यूज़ कर ली थी फिर भी, और उसमें उस पर बहुत कम जगह बच रही थी बस, फिर भी मैं आ गया था। और यहाँ पे देखो अब क्या स्कैम होगा, अब वो लोग वहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि मैं पहले ही चला जाऊँ, और जैसे मैं जब मारता हूँ मैं उसमें ठुक जाता हूँ चाइनीज से में, और वो जीत जाता है यार। चलो अगला मैच लगाते हैं। तो फिर से आईसी हाइट आ चुका है, और मैंने यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स कर दी थी, भाई साहब मैं इतना खुश हो रहा था ना कि टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई, तो वो भी स्मॉल कंट्रोल्स में, है ना। तो मैं बहुत खुश हो रहा था, और यहाँ से मैं आराम से जाता हूँ, लेकिन ये फिर से पड़ जाता है मेरे को। और फिर मैं वो वाली टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करता हूँ जो बिना भागे हम कर लेते हैं, लेकिन होती नहीं है, फिर मेरे को धीरे से ही जाना पड़ता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है मेरे को, मैं समझ गया था यहाँ पे। तो फिर आसान हो गया था मेरे लिए थोड़ा सा, तो और इसको स्किप कर देता हूँ चलो। तो यहाँ पे हमारा ओवर एंड अंडर आ चुका था, और फिर मैं कोशिश करता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स मार के सबसे आगे रहूँ, क्योंकि एक स्कैम होता है और चेक पॉइंट वैक पॉइंट का ग्लिच। और यहाँ देखना, ये देखो मैं गिरा और डाइव भी नहीं हुई थी, वैसे भी मैं नहीं चढ़ पाता, तो मैं सोचा अब यहाँ से ट्राई करते हैं आज। तो यहाँ से मैं कभी नहीं जाता, तो मेरे को आदत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा ऊपर से ही जाता हूँ, तो ऊपर से जो इनके ऊपर चढ़ के, तो वो वाली आदत है मेरे को, आप लोगों को पता होगा अगर आप लाइव में आते हो तो, ठीक है। तो मैं लाइव करता हूँ, आ जाया करो यार, ठीक है। तो मैं क्वालिफाई तो कर लेता हूँ आराम से यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगला राउंड लगाता हूँ मैं। तो अगले राउंड में आ जाता है सबसे बेकार वाला मैप, स्पेस रेस, ठीक है।
तो अब इसमें सबसे ज़्यादा मैं ख़राब खेलता हूँ, हमेशा है मेरा नूब भाई। इसमें आज तक मैं बहुत कम जीता हूँगा। मैं ट्राई कर रहा था बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स ना यूज़ करूँ, बस स्टार्टिंग वाली करी थी और आगे निकलने के लिए थोड़ी सी कर रहा था, लेकिन वो जो सामने था ना वो अपने आप ही ठुक जाता है। तो मेरे पास अच्छी लीड थी, लेकिन देखो स्कैम भाई जंप ही नहीं हुई, ठीक है। तो मैं हौसला नहीं छोड़ता अपना, ठीक है, और मैं आराम से जाने की कोशिश करता हूँ कि मैं जीत जाऊँ, लेकिन स्कैम इतने सारे हो रहे थे यार। फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सही खेल रहा था पहली बार स्मॉल कंट्रोल्स में मैं खेल रहा था तो, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं हारूँगा, लेकिन मैं हारता ही हूँ। देखो वो बंदा ना मेरे के साथ स्कैम करेगा, देखो वो वहाँ जाके रुक गया था, मुझे लगा भी ये मुझे क्राउन दे देगा, मैं जीत जाऊँगा, लेकिन मैंने उसको कहा कि प्लीज़ दे दे, लेकिन उसने नहीं दिया। मतलब मैं कहूँगा कैसे, मेरे को लगा था कि देगा। अगला ये लास्ट राउंड है, अगर अब हम नहीं जीतते तो हम चैलेंज को हार जाएंगे, ठीक है। तो और मैं फिर से कह रहा हूँ सॉरी, ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है आने में, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज चल रही थी, ठीक है। तो छोड़ो बात फालतू की, हम वो गेम प्ले पे ध्यान देते हैं। तो फिर यहाँ से मैं इस वाले मैप को क्वालिफाई कर लेता हूँ आराम से, ठीक है। और मेरे को आदत हो गई थी बिल्कुल यहाँ पर थर्ड राउंड में आके, तो थर्ड मैच में तो कि कैसे खेलना है, ठीक है। तो क्वालिफाई कर लेती है मैंने, कर लिया था मैंने। फिर हमारा ये वाला मैप आ जाता है यार, ठीक है, ये मेरे को बहुत बेकार लगता है, ठीक है। हम्बल संभल है ना, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इनसे बॉक्सेस से ना टकराऊँ और आराम से क्वालिफाई करूँ। बेकार नहीं लगता, मतलब बोर हो गया हूँ मैं इस वाले मैप से, तो मैं आराम से जाता हूँ और क्वालिफाई कर लेता हूँ सेकेंड नंबर पर, हाँ, ठीक है। तो पंच पंच मारने की ट्राई करता हूँ मैं कि लास्ट राउंड में मैं जीत जाऊँ। चलो स्किप करता हूँ यार। और ये देखो लास्ट में आ जाता है मेरा फेवरेट मैप लावा रश, ठीक है। और मैं ट्राई करता हूँ मैं कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स ना करूँ, वरना मैं करता तो लीड बहुत अच्छी निकलती मेरे लिए, लेकिन मैंने की नहीं। और यहाँ पे जंप डाइव नहीं हुई थी जंप करने के बाद, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जंप इशू होते हैं स्मॉल कंट्रोल्स में, और यहाँ पे मैं चल जाता हूँ। मेरे को पता चल गया था कि मैं चैलेंज हार चुका हूँ, लेकिन देखते रहो बस क्या चमत्कार होता है। मैं आराम से जाता हूँ एकदम, और यहाँ से टिप्स एंड ट्रिक्स मारता हूँ सारी, और वो सामने मेरे से बॉल टकरा जाती है, वो जो है ना देखो वो गिर जाता है। अब मैं सबसे आगे हो चुका था, मैं साइड से जाता हूँ आराम से एकदम और चढ़ जाता हूँ उस पर, और फिर देखो क्या होता है। वो रो रहा था, मैं सोचा कि इसको क्राउन दे देते हैं, लेकिन मेरे को याद लाया मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो फिर मैं आराम से जीत गया था एकदम ये। और मैंने इस चैलेंज को भी कंप्लीट कर दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर दो और चैलेंजेस कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।